एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों, आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आपकी जो वीडियोज आप अपलोड करते हैं उस पर 10-12 व्यूज आते हैं, इससे ज़्यादा आपके व्यूज नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ यूट्यूब पर वीडियोज को अपलोड करने का एकदम सही तरीका, क्योंकि आप गाइज अपलोड करने में दिक्कत करते हैं। आपको अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है कि आपको किस तरह से वीडियो को अपलोड करना है। पूरा SEO गाइज A to Z तक गाइज मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को गाइज आप लास्ट तक देखना, यदि आपके भी व्यूज डाउन है गाइज तो आज का इस वीडियो में गाइज आप सभी लास्ट तक देखना। वीडियो में आज इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, ऐसा SEO करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसे यदि आप यूज करेंगे, जिसके तरीके से आप यदि वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोज भी वायरल होंगे और आपका जो वॉच टाइम है यूट्यूब का, यदि आपका अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो वो भी बहुत जल्दी आप रिकवर कर लोगे। जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब का जो मोनेटाइज का क्राइटेरिया वो 4000 घंटे और गाइज आपका 1000 सब्सक्राइबर, 1000 मतलब सब्सक्राइबर आपको एक साल के अंदर चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो आपको कंप्लीट करना ही होता है जब भी आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए गाइज आपको वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे आपको वीडियो किस तरह से डालना है, किस टाइम आपको डालना है, क्या क्या आपको SEO में टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे आपको सब चीज़ें लिखनी। तो आज के इस वीडियो में यही विस्तार से मैं सभी को बताने वाली हूँ। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नई नई वीडियोज आपको मिलते रहे गाइस। तो चलिए हम आपको बताते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। चलिए हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, सो फ्रेंड्स हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले गाइज आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो गाइज यहाँ हमने अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपल से आपको प्लस वाले जो चिन्ह दिख रहा है नीचे आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको चार ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, क्रिएट शॉर्ट, अपलोड वीडियो, गो लाइव एंड क्रिएट ए पोस्ट। गाइज तो हमें तो वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपलोड ए वीडियो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ओके गाइज, उसके बाद हमारा सीधे एक गैलरी में जाके ओपन हो जाएगा। तो गैलरी में से गाइज आपको वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो हम गाइज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको वीडियो बता रहे हैं, ये वाली वीडियो हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है गाइज, तो इसको हम ले लेते हैं। ओके, उसके बाद गाइज जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गाइज इस तरह का ऑप्शन रह जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन का मिलेगा, लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो है टैग्स का, जो हम वीडियो में टैग्स लगाते हैं। तो या तो आप यहीं से टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसको बैक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपकी वीडियो किसके लिए, मेड फॉर किड्स है या नॉट मेड फॉर किड्स है। तो हमारे गाइज वीडियो सबके लिए, ओके गाइज, तो हमें क्या करना, नॉट मेड फॉर किड। ओके, तो आपको भी यही कर लेना, यदि आप किड्स के लिए वीडियो नहीं बनाते तो आपको नॉट मेड फॉर किड करके रखना है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है एज रेस्ट्रिक्शन गाइज, तो इसके में भी यही होता है गाइज, 18 से ऊपर वाले बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे या उससे नीचे वाले, तो इस तरह की है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है गाइज। तो हमने वहाँ पे ऊपर नो किया तो नीचे भी नो हो गया गाइज, हमने कर दिया अपलोड वीडियो पे क्लिक। ओके गाइज, तो हमारी वीडियो अपलोड होगी गाइज, तब तक हम क्या करें गाइज, हमने अपने व्हाइट स्टूडियो को ओपन करेंगे। तो आप भी अपने व्हाइट स्टूडियो को ओपन कर लीजिए गाइज। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी जो हमने अभी जस्ट अपलोड की है गाइज, तो यहाँ पे दिख रही है, पेंसिल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन है, ऑडियंस का है, प्लेलिस्ट का और टैग्स का। जो हम टैग्स को हमें यूट्यूब पर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें टैग्स वाला ऑप्शन नहीं दिखता है गाइज, तो यहाँ पे हमें मिल गया। उसके बाद गाइज यहाँ से हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। ओके गाइज, फिर से हमें यूट्यूब पर आना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हम यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका, ये हमें टाइटल यहाँ पे लिख के सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर लेना। ओके गाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है। ओके गाइज, उसके लिए सॉरी। तो गाइज यहाँ पे गाइज हमने जैसे टाइटल लिखा कि यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे मनोज डी की आ गई है, अभी इसका आ गई, यहाँ पे टेक्निकल योगी की आ गई है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी वीडियो गाइज आपको नजर आ रही, तो हम जैसे हम यहाँ पे मनोज डे वाली वीडियो दिख रही है तो इसको यहाँ पे लेंगे गाइज। उसको क्या करना गाइज, आपको यहाँ पे मनोज डे वाली वीडियो दिख रही है यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करने का सही तरीका। ओके गाइज, तो यहाँ पे 3 डॉट पर जाना है इसकी वीडियो पे, तो 3 डॉट पर गए। उसके बाद यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पर जाकर आपको लिंक कॉपी कर लेना। ओके, इस वीडियो का। उसके बाद आपको सिंपल से जाना व्हाइट टूल पर गाइज, तो ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना यदि आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो URL कॉपी कर देना। ओके गाइज, उसके बाद गो कर देना। तो ये आगे यहाँ पे इसका वीडियो का टाइटल लिख के आ गया, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर सकते हैं, थंबनेल भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे टैग्स, सारे जो भी मनोज भैया ने यहाँ पे टैग्स लगाए हैं वीडियो में, वो सारे टैग्स यहाँ पे दिख जाएंगे, टाइटल यहाँ पे दिख जाएंगे और हैशटैग भी यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है टाइटल वाले ऑप्शन पर। ओके गाइज, कॉपी टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉपी टाइटल हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अपने व्हाइट स्टूडियो पर,
तो ये हमारा वाइट स्टूडियो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टाइटल सबसे पहले कॉपी कर लेना है, ओके वाइज। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन में भी अपना टाइटल एक बार कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल को कॉपी कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टाइटल को कॉपी कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे वापस बैक यहाँ से, अब हमें वो टैग्स जो थे वाइज वो भी कॉपी करके लाना है, ओके। क्योंकि डिस्क्रिप्शन का जो परफेक्ट रेशियो होता है उसमें हमें टाइटल भी लिखना पड़ता है, जो हमारे टैग्स होते हैं उसमें भी हमें जो टैग्स हम टैग्स वाले ऑप्शन में लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए, ओके गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे टैग्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो कॉपी ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉपी ऑल हो जाएंगे, ठीक है। कॉपी हो गए गाइज, यहाँ पे हम आईटी स्टूडियो पर आए अपने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने को पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉमाज आ जाएंगे, तो आपको कॉमा को हटा देना क्योंकि मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, यूट्यूब की परमिशन अलाउ नहीं देता है गाइज, अलाउ नहीं करता इन चीज़ों को, गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो गाइज हम इस सारी कॉमाज को हटा देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम मनोज डे की जो वीडियो हमने लिया था उसको यहाँ पे मेंशन कर देना आपको, ठीक है। तो हमने मनोज डे को मेंशन कर दिया, हमने अपने चैनल का नाम लिया गैजेट गर्ल स्पेंडिंग ज्ञान यूट्यूबर के यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद टैग ऐश्वर्या को मेंशन कर दिया, उसके बाद एक दो आप चार पांच टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्निकल योगी का लगा दिया, यहाँ पे चार पांच टैग्स हमारे हो गए। उसके बाद हमारे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है थर्ड वाला, देखो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे विजिबिलिटी हमें अभी अनलिस्टेडी रखनी है, ओके गाइस। हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन मोनेटाइजेशन, तो आपको इसको ऑन कर लेना जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करोगे। सुबह से हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मोनेटाइजेशन वाला। अब हमें क्या करना है, प्लेलिस्ट यहाँ पे यदि आपने बना रखी गाइस तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है हम उनमें से जस्ट गैजेट रिव्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके गाइस। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा टैग्स, ठीक है, इस पर आपको जाना है गाइस। टैग्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ हैशटैग्स लगा सकते हैं या टैग्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने अभी कीवर्ड्स लिस्ट देखी थी कई अभी वीडियो में हमने जो कॉपी की थी मनोज भैया के, तो उसके कीवर्ड्स हमें यहाँ पे ला के यहाँ पे इनको पेस्ट कर देना है, यानी कि टैग्स को हमें यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो हम फटाफट से सारे टैग्स को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आगे की प्रोसेस, ओके गाइज। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे टैग्स कॉपी कर दिए, उसके बाद हमने यहाँ पे हैशटैग लगा दिए मनोज भैया के, गैजेट गर्ल हमारे चैनल का, स्पेंडिंग का। तो आप भी इस तरह से कुछ हैशटैग्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गाइस रिमिक्सिंग का ऑप्शन दिख रहा है, शॉर्ट रिमिक्सिंग। तो आपको ये अलाउ करना है कि आपकी वीडियो पे कोई अलाउ म्यूजिक से भी रिमिक्सिंग कर सकते हैं या वीडियो आपका अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्सिंग या डोंट अलाउ रिमिक्सिंग। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ओके गाइस, कि आपकी वीडियो पे कोई भी डूट करना चाहे वो म्यूजिक भी ले सकता है और आपकी वीडियो के साथ डूट भी कर सकता है, ओके गाइस, यानी कि रिमिक्स कर सकता है। तो ये हो गया ऊपर के बाद। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी आपका किस कैटेगरी में आप काम करते, तो हमारा गाइस टेक का कैटेगरी है, तो हमने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, ओके गाइस। यहाँ पर जो कैटेगरी है व्लॉग है, सिंगिंग है, म्यूजिक, कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको अलाउ ऑल कमेंट्स पर ही रखना है गाइस, ओके, क्योंकि आपको कमेंट्स हमेशा जो भी कमेंट करना है आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपके सारे कमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड चूज लाइसेंस, तो आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है, क्रिएटर कॉमन क्रिएटिव जो नहीं रखना है, क्योंकि कॉमन क्रिएटिव ये हो जाता है कोई भी आपकी वीडियो को यूज करके अपने चैनल पर डाल सकता है, तो आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है, ओके गाइस। तो हमारे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है थंबनेल, तो हम इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टम थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी थंबनेल गाइस, मैं फिलहाल एग्जांपल के आपको बता रही हूँ, तो हम जैसे इस थंबनेल हमने यहाँ पे ले लिया गाइस, ओके। उसके बाद गाइस आपको जब इसको पब्लिक करना है, जब मतलब जब भी आप चाहें जिस टाइमिंग में आपको इसको अपलोड करना है उस टाइमिंग, यहाँ पे अनलिस्टेड वाले विजिबिलिटी जो ऑप्शन दिख रहा है अनलिस्टेड लिखा है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, शेड्यूल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप पब्लिक करेंगे उस टाइम आप इसको पब्लिक कर देना। तो मैंने अभी फिलहाल क्या किया गया, इसको अनलिस्टेड किया हुआ है, ओके। तो हमने इसको अनलिस्टेड करके सेव कर दिया है। तो आपको इसी तरह से वीडियो को अपलोड करना है। उसके बाद आपको यूट्यूब पर आना है, ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना, ओके गाइस। ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो भी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, मूवीज चल रही हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे कॉमेडी वीडियोज मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियोज इनमें आपको क्या करना है, जैसे आपको फुकरा इंसान की फर्स्ट में वीडियो नजर आई थी तो ट्रेंडिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में चल रहेगा, जो फर्स्ट में आ रही है, ओके। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को तो आप नहीं उठा के डाल सकते क्योंकि आपको कॉपीराइट आ जाएगा, आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में आप रिव्यू कर सकते हैं कि फुकरा इंसान ने ये बोला, वीडियो में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको रिव्यू करके वीडियोज को बना सकते। तो इस तरह से यदि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप परफेक्ट तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कीजिएगा यूट्यूब। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता लग गया कि किस तरह से आप भी यूट्यूब पर अच्छे तरीके से, एकदम सही तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके व्यूज भी अच्छे आएंगे। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि आप यूट्यूब पर वीडियो को किस तरह से अपलोड करेंगे जिससे कि आपके व्यूज गाइस हाई लेवल का आएंगे, यानी कि आपकी
जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट जल्दी हो जाए और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपको गाइस फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फिर मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।